सुप्रभात, मेरे कक्षा 4 के प्यारे बच्चों, मैं केरला पब्लिक स्कूल अररिया से आपकी वर्ग शिक्षिका श्रुति वर्मा आज आप लोगों का फिर से ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। चलिए तो मैं जैसे कि आपको पता है हिंदी व्याकरण में पिछली बार आप लोगों को वर्ण वर्णमाला और मात्रा के बारे में समझा चुकी हूँ। तो आज हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे तीसरे अभ्यास में जो है शब्द उसके विषय में। तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें हिंदी व्याकरण, ठीक है। और हिंदी व्याकरण में हम तीसरे अभ्यास में जो है शब्द के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, उस विषय में हम पढ़ेंगे आज। चलिए तो जान लेते हैं शब्द किसे कहते हैं, है ना। देखिए शब्द जो है, एक पहले तो आपको मैं समझा दूं वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला इसके विषय में समझा चुकी हूँ। भाषा की वह सबसे छोटी, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं, वर्ण को ही हम ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण को अक्षर और वर्ण को ही ध्वनि। और तो देखिए भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम वर्ण या अक्षर या फिर ध्वनि कहते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है शब्द। अब जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। चलिए देखिए, एक से अधिक अक्षरों के समूह को, किसे? एक से अधिक अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अक्षर यानी वर्ण, अक्षर यानी वर्ण। देखिए एक से अधिक अक्षरों के समूह, जैसे क, क में आकार की मात्रा है, क्या? तो ये कितने वर्ण हुए? एक वर्ण, दो वर्ण, है ना। ये ल, ठीक है, ये आकार की मात्रा, तो कितने वर्ण हुए? एक, एक वर्ण। और ये रहा आपका दूसरा वर्ण, क्या हुआ? दूसरा वर्ण। तो ये क्या कहलाएंगे? दो वर्ण वाले शब्द। क्या? दो वर्ण वाले शब्द, यानी एक से अधिक वर्णों के समूह को या फिर एक से अधिक अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। देखिए एक से अधिक अक्षर के समूह है, देखिए क आकर है, ल आकर है, ये दो वर्ण है। यहाँ पे कितने वर्ण हुए? दो वर्ण, ठीक है। यहाँ पे कितने वर्ण हुए? दो वर्ण हुए। तो इन्हें हम दो वर्ण वाले शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? दो वर्ण वाले शब्द कहेंगे, या फिर दो अक्षर, या फिर इसे हम, हाँ सही है, दो अक्षर वाले शब्द, या फिर दो वर्ण वाले शब्द, या फिर दो ध्वनि वाले शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम दो वर्ण वाले शब्द के विषय में जान लिए। अब इसी प्रकार हम जान लेते हैं, चलिए ये पहले मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिखी थी, दो वर्ण वाले शब्द ये कहलाए, दो वर्ण वाले शब्द। दो वर्णों वाले शब्द, ये दो वर्णों वाले शब्द। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं तीन वर्ण वाले शब्द। चलिए उसमें टुकड़े करके मैं आपको नहीं समझाऊंगी, बस ऐसे समझा दे रही हूँ। ये देखिए तीन वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द में आप लिख सकते हैं कमल, या फिर स्वतंत्र, ठीक है, या फिर परीक्षा। अब देखिए चार वर्ण वाले, या फिर अक्षर वाले शब्द भी आप इसे बोल सकते हैं, चार वर्णों वाले शब्द, या फिर वर्णों या फिर अक्षर वाले। अक्षर वाले शब्द भी बोल सकते हैं, जैसे देखिए बरगद, है ना, इसी प्रकार दर्दनाक, स्वाभाविक। चलिए तो ये हम जान ले रहे हैं दो वर्णों वाले शब्द या फिर दो अक्षरों वाले शब्द,
ठीक है। इसी प्रकार तीन वर्ण वाले शब्द, अब आप कहेंगे तीन वर्ण वाले शब्द ये क देखिए, म देखिए, ल देखिए, ये एक अक्षर या एक वर्ण बोल सकते हैं, तो मैं अभी अक्षर का ही प्रयोग करूंगी। एक अक्षर, दो अक्षर और ये तीन अक्षर मिला के ये तीन अक्षर वाले शब्द हो गए। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे मैम ये तो चार वर्ण वाले शब्द हो गए, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना, तो ये चार वर्ण वाले शब्द हो गए। अगर आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये चार वर्ण वाले शब्द हो गए, चार अक्षर वाले शब्द हो गए, क्योंकि स भी है, व भी है, त भी है और त्र भी है, तो देखिए ये दोनों संयुक्त है, ये दोनों क्या है, संयुक्त, तो इसे हम एक वर्ण वाले शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, एक वर्ण वाले, सव संयुक्त का एक वर्ण यानी एक अक्षर ही गिनती होगा क्योंकि ये संयुक्त है, और ये दूसरा और ये तीसरा कहलाएगा, यानी ये हो गए तीन अक्षर वाले ही शब्द कहलाएंगे। इसी तरह देखिए प है ना, र और अक्षर, ये भी तीन अक्षर वाले ही शब्द कहलाएंगे। इसी प्रकार देखिए चार अक्षर वाले शब्द, एक अक्षर ये ब, दूसरा र, तीसरा ग और चौथा ये द, तो एक अक्षर, दो अक्षर, तीन अक्षर और चार अक्षर, तो चार अक्षर वाले ये शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, चार अक्षर वाले शब्द। यहाँ फिर देखिए दर्दनाक, द द फिर न और फिर क है, ठीक है, दर्दनाक, ये चार वर्ण हुए, ये चार अक्षर कहलाएंगे। इसी तरह ये भी एक ही अक्षर हुआ सव संयुक्त, क्योंकि ये संयुक्त है, एक अक्षर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, सव संयुक्त एक अक्षर कहलाएगा, है ना, व जो है ये दूसरा और व जो है ये तीसरा और ये क। ये देखिए ये मात्रा जो है ये तो इसी से जुड़ा हुआ है ना, ये मात्रा जो इसमें लगा हुआ है सव संयुक्त आकार, तो ये एक ही वर्ण की गिनती में आएगा, एक वर्ण, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यानी ये चार अक्षर वाले ही शब्द कहलाएंगे। तो हम पढ़ चुके हैं दो अक्षर, तीन अक्षर और चार अक्षर वाले शब्द, ठीक है, तो आपको जैसे मैं समझा चुकी हूँ एक से अधिक अक्षरों के समूह को, क्या, अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, और ये भी जान चुके हैं दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द। देखिए दो अक्षर वाले और भी शब्द हो सकते हैं, कल, फल, है ना, अब इसी तरह आप मात्रा भी लगाकर लिख सकते हैं, तो लेकिन उसमें दो अक्षर होने चाहिए, ये जान लिए दो अक्षर वाले शब्द। अब देख ले शब्द के कितने प्रकार होते हैं, चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आई होगी। देखिए और एक बात ध्यान रखने वाली, जो मैं आपको संयुक्त वाला समझा चुकी हूँ फिर से समझा दे रही हूँ, अक्षर को पहचानने का आसान तरीका है, हर अक्षर में एक स्वर होता है, हर अक्षर में क्या होता है, एक ही स्वर जुड़ा होता है, एक से ज्यादा व्यंजन भी हो सकते हैं, कितने, एक से ज्यादा भी व्यंजन हो सकते हैं। हिंदी में हलंत व्यंजन को भी अक्षर माना जाता है, जो हम हलंत देकर यानी संयुक्त देकर जो शब्द लिखते हैं वो भी अक्षर ही माना जाता है ना। चलिए अब देखते हैं अक्षर के कितने प्रकार हैं, इसके शब्द के कितने प्रकार हैं। और एक बात समझा दो, देखिए पहले वाक्य में दो शब्द, जैसे काला में आपको समझाई थी, काला है ना, वो भी समझा दे रही हूँ, काला ये दो अक्षर है ना। अब देखिए भालू, काला भालू, ये भी दो अक्षर है ना, तो पहले काला भालू है ना, काला भालू ये दो शब्द हुए, ये कितने शब्द हुए, ये एक शब्द और ये दूसरे शब्द कहलाए, ये दोनों क्या कहलाए, काला भी एक शब्द हुआ और भालू भी यहाँ क्या हुआ, एक शब्द है ना, तो इसके कितने शब्द हैं, काला भालू में ये दो शब्द हुए, दोनों मिलाकर कितने शब्द हुए, दो शब्द है ना। अब काला भालू नाच रहा है तो उसमें कितने शब्द हुए, काला भालू नाच
रहा है, पांच शब्द हो जाएगा है ना, वो एक वाक्य में जो है इसमें काला भालू में कितने शब्द हैं, दो शब्द। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में अगर मैं लिख दूं दीपा प्रथम आई, उसके विषय में भी देख लू दीपा प्रथम आई, तो अब आप ये बतलाइए कि इसमें कितने शब्द हुए, एक शब्द दीपा, दूसरा प्रथम और तीसरा आई, तो इस वाक्य में कितने शब्द हुए, तीन शब्द हुए, दीपा प्रथम आई। ये कितने शब्द हुए इस वाक्य में, तीन शब्द, काला भालू में दो शब्द और इसमें तीन शब्द है ना। इसी प्रकार हम शब्द को पहचान लिए, पहचान सकते हैं कि कितने शब्द हुए है ना। शब्द एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है, अक्षरों एक से अधिक अक्षरों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, शब्द। देखिए एक से अधिक शब्द है इसमें, दीपा में द है और प है तो एक से अधिक शब्द है, प्रथम प्र है, थ है, म है तो ये इसमें भी तीन अक्षर है, आई में भी दो अक्षर है ना, तो ये एक से अधिक अक्षरों के जो समूह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये एक बार समझ लिए है ना। अब देखिए कुछ शब्दों को ध्यान से समझा रही हूँ, जैसे है भारत, घड़ी, कुर्सी, दरवाजा है ना, रभात, रीघ, सिर की, मतलब इसे अगर हम उल्टा करके लिखते हैं तो वो शब्द गलत बन जाता है ना। इन शब्दों में कुछ का अर्थ निकलता है, कुछ का अर्थ नहीं निकलता है। देख लीजिए अगर मैं यहाँ पर भारत लिखती हूँ, भारत, तो इसका तो अर्थ निकलता है, फिर घड़ी लिखती हूँ इसका भी अर्थ निकलता है, ये जो है इसका अर्थ निकलता है। अगर मैं इसे तरभा लिखती हूँ तो क्या इसका कुछ अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है। घड़ी, इसमें हम रीघ लिखते, इसमें अगर मैं रीघ लिख रही हूँ तो क्या इसका कुछ अर्थ निकलता है, नहीं निकलता। तो कुछ शब्दों के अर्थ निकलते हैं, कुछ के अर्थ नहीं निकलते हैं। जिसके अर्थ निकलते हैं है ना, तो ये क्या कहलाएगा, सार्थक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सार्थक। ये क्या कहलाएगा, सार्थक। इनका जो सार्थक शब्द होते हैं उसका ही हम किसी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जो सार्थक शब्द नहीं होते हैं उसका हम किसी भी वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए भारत, भारत सही शब्द है तो लिखेंगे भारत हमारा देश है, या फिर हमारा देश भारत है ना, वो भी लिख सकते हैं। हमारा देश भारत है या फिर मेरा देश भारत है, कुछ भी लिख सकते हैं। लिखेंगे मेरा देश तरभा है तो क्या ये सार्थक शब्द है, नहीं, तरभा यहाँ पे सार्थक शब्द नहीं है, सही शब्द नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा देश भारत है यह भी सही है, मेरा देश भारत है यह भी सही है, लेकिन मेरा देश तरभा है, क्या यह शब्द सही है, तरभा ये वाक्य सही है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो जो अक्षरों के सार्थक समूह होते हैं उसे शब्द कहते हैं, या फिर एक से अधिक अक्षरों के समूह को भी हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शब्द के प्रकार के बारे में। प्रत्येक भाषा में अनगिनत शब्द होते हैं, प्रत्येक भाषा में कितने शब्द होते हैं, अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। ये शब्द कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, क्या इनके अर्थ बदल सकते हैं, सब इनके बारे में हम जो है वो आप लोग जो है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। किस कक्षा में पढ़ेंगे आप लोग, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इन सारे जो ये सारी बातें जो है ये हम, यानी आप जो है इसे अगली कक्षा में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए तो अभी हम अर्थ के आधार पर जान लेते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर अर्थ के आधार पर मतलब जिसका अर्थ निकलना हो अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? दो। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के दो प्रकार, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का अर्थ हो गया जिसका सही अर्थ निकलता हो, है ना, और निरर्थक का अर्थ हो गया जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए अब हम सार्थक और निरर्थक के बारे में पढ़ें। मैं आपको सार्थक और निरर्थक के बारे में समझा रही हूँ। पहले एक बार फिर से समझ लें, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? शब्द के दो प्रकार हैं, सार्थक और निरर्थक। अब जानते हैं सार्थक और निरर्थक किसे कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भारत, भारत का कोई अर्थ निकलता है, पर अगर तरभा लिखें तो क्या उसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो वो निरर्थक शब्द कहलाएगा ना। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? इस विषय में जानने, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उसे सार्थक शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे देखिए, भोजन, आदमी और कलम, इसका कोई अर्थ निकल रहा है ना, तो इसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब जान ले निरर्थक शब्द के बारे में। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले, है ना, उसे क्या कहते हैं? निरर्थक। निरर्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे देखिए, जिन शब्दों का कोई अर्थ
ना निकले उसे हम क्या कहते हैं निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देख लीजिए वाणी है ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। द आर्मी, क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलता है। लमक, क्या इसका भी कोई अर्थ निकलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं निरर्थक शब्द, क्या कहते हैं निरर्थक शब्द। देख लीजिए इसी प्रकार आपके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसे जैसे आप समझ चुके हैं शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार हैं कितने हैं क्या हैं वो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसी प्रकार कुछ है शब्द किसे कहते हैं उसे आपको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं और उसका उदाहरण भी आपको लिखना है। देखिए अर्थ के आधार पे शब्द के दो प्रकार हैं, कौन कौन है, सार्थक और निरर्थक है ना, वो भी लिखना है। अब देखिए कथन पढ़कर सही और गलत का चिन्ह लगाओ। सार्थक अक्षर समूह शब्द कहलाता है, क्या सार्थक अक्षर समूह शब्द कहलाता है? मतलब वह अक्षर समूह जिसका कोई अर्थ हो है ना उसे शब्द कहते हैं। क्या यह है सही है? तो जो सही है उसमें सही का चिन्ह लगाना है, जो गलत है उसमें गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए जैसे कि प्रश्न संख्या हम एक का पढ़ चुके हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें में शब्द किसे कहते हैं है ना, एक से अधिक अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं शब्द कहते हैं, जिसका सही अर्थ निकले, जिसका क्या निकले सही अर्थ निकले है ना उसे हम क्या कहते हैं शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं है ना, और उसके उदाहरण भी जान लें, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक में आप लिख सकते हैं भारत है ना उसके उदाहरण, और निरर्थक का आप क्या लिख सकते हैं उसको उल्टा करके शब्द बना दीजिए, भारत है तो तरभा लिख सकते हैं है ना, इस प्रकार शब्द लिख दीजिए तो वो निरर्थक शब्द हो गया है ना। इसी प्रकार प्रश्न संख्या दो में है कथन पढ़कर सही और सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ है ना। क में है सार्थक अक्षर समूह शब्द कहलाता है, यह सही है तो इसमें सही का चिन्ह लगाएंगे। सार्थक व निरर्थक शब्द शब्द के दो भेद हैं, यह भी सही है ना। निरर्थक शब्दों से उचित अर्थ का बोध होता है, निरर्थक शब्दों से उचित अर्थ का बोध होता है यह तो गलत है, क्योंकि निरर्थक शब्द जो है इससे उचित अर्थ नहीं निकलता है ना, तो यहाँ पे जो है गलत का चिन्ह लगाएंगे।